एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। गरीबों के सामने शर्मसार हुआ रिश्ता, पैसे की तंगी के कारण नवजात के शव को फेंक कर चले गए परिजन। रिम्स के गोल चक्कर के पास नवजात का मिला शव। एक दिन पहले ही रिम्स के लेबर रूम में हुआ था प्रसव। प्रसव के दौरान पाया गया था बच्चा मृत। सुरक्षा कर्मियों ने नवजात के शव को शव गृह में रखा। आर्थिक रूप से कमजोर परिजनों को रिम्स प्रबंधन ने नहीं दी कोई सहायता। घर जाने तक का किराया भी नहीं था परिजनों के पास। रिम्स में सरकारी योजना के तहत जरूरतमंदों को मिलता है एम्बुलेंस। सत्यव्रत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सत्यव्रत, गरीबी है ये सबको पता है, लेकिन गरीबों का किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है ये जानना है, तो रिम्स चले आइए। मैं देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने, क्योंकि रिम्स में वैसे जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज होते हैं उनके लिए सरकारी स्तर पर यह सुविधा है कि वैसे जरूरतमंद लोगों को एम्बुलेंस मुहैया कराया जाता है। लेकिन आज जो तस्वीर रिम्स में देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं आपको विचलित कर सकती है और ये सोचने पे मजबूर कर सकती है कि आज आधुनिकता के इस युग में एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसकी मौत हो जाता है, और वो महिला सिर्फ अपने बच्चे को इसलिए रिम्स परिसर में छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। जो हमें सूचना मिली, जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने बताया कि महिला ने बताया कि उनके पास अपने घर जाने तक के पैसे नहीं थे और वैसे में उस महिला के पास कोई रास्ता नहीं दिखा और उसने अपने बच्चे को रिम्स परिसर में छोड़कर जो है वो चली गई। तो कहीं ना कहीं यह सवाल रिम्स प्रबंधन पर भी लगता है कि आखिर रिम्स, जिसे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए वरदान माना जाता है कि अगर इलाज के दौरान किसी बच्चे की मौत हुई तो रिम्स प्रबंधन को चाहिए था कि सरकारी स्तर पर जो है वो उस परिजनों को एम्बुलेंस मुहैया कराया जाता ताकि जो बच्चे का शव है उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो सकता। लेकिन फिलहाल अभी जो शव है वो रिम्स के शव गृह में रख दिया गया है। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इस बात की सूचना दी कि रिम्स परिसर में जो गोल चक्कर है वहां मुख्य सड़क पर एक नवजात बच्चे का शव पड़ा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने जो है वो शव को अपने कब्जे में लिया और रिम्स के शव गृह में रख दिया है। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर गरीबी के सामने जो रिश्ता है वो शर्मसार होता हुआ दिख रहा है कि कैसे जो एक परिवार के जो सदस्य है, एक जो माँ पिता है, वो अपने बच्चे का शव सिर्फ इसलिए रिम्स में छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और यह उस राज्य की तस्वीर है, उस राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीर है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों से जो है वो पूरा देश जगमगाता है। सारी जाहिर तौर पर सत्यव्रत, ये घटना दिल को दहला देने वाली है। उस माँ के कलेजे पर क्या गुजरा होगा, माँ के लिए उसका बच्चा जीवित हो या मृत हो, उसके लिए उसका बच्चा होता है और उसके से इतने पैसे नहीं थे कि अपने बच्चे को ले जाए और उसका अंतिम संस्कार करे। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत इस खबर को प्रकाश मिलाने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।